सिद्धार्थ गुप्ता, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको फाइनल एडमिशन के टाइम पे किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी इसके बारे में। और ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट की वजह से आप सभी को कितना भी बढ़िया कॉलेज मिल जाए, अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं हो पाएंगे तो आप सभी का एडमिशन जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको किस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवाना है और आपको तैयार रखना है पहले से ही। जिनकी रैंक अच्छी हो तो और भी ज़्यादा आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो बिल्कुल अवेयर रहें कि आपको ये सारा डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पे बाहर से थोड़ी सी नॉइस आ सकती है, लेकिन आप इसको अवॉइड करिएगा। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से बताता हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप पूरा देखिएगा ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ, राइट। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि जितने भी ओबीसी कैटेगरी के रैंक है, आप सभी क्या करोगे, आप सबको एक काम करना है, सबसे पहले तो इसको रिन्यू करवा लेना है। क्या कराना है? रिन्यू कराना है, ठीक है। इसको रिन्यू जरूर करवा लीजिएगा, ये पुराना नहीं चलेगा आपका। और साथ में नॉन क्रीमी लेयर का आपका सर्टिफिकेट भी लगेगा, ये आपको बनवा लेना है, मैंने आपको पहले बता दिया। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वो चीज़ क्या है, वो ये है कि जनरल वालों को किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी जनरल कैंडिडेट है उनको किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पे अगर आप हमारे थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे नंबर दिखा दिया है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी काउंसलिंग करा देंगे। उसके कुछ चार्जेस होंगे, आपको पे करने होंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से आपको इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। रिफ्रेश करके हम अपनी साइट पर चलते हैं, साइट पर चलने के बाद वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट मेंशन है, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आपको कोई और भी वीडियो देखें तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, आप चेक कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे स्टूडेंट आप देखोगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपका दे रखा है ना, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या किया हमने, इस तरीके से अपना डाउनलोड कर लिया। जैसे स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपका डाउनलोड हो जाएगा ना, तो डाउनलोड होने के बाद आपको सबसे नीचे आना है, ठीक है, सबसे नीचे की तरफ। जैसे स्टूडेंट आप सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स मेंशन है, अब आप देख सकते हो चेक लिस्ट मेंशन है आपका, और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें दे रखी। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। यहाँ पर देखिए क्या क्या मेंशन है, हम इसको पढ़ लेते हैं जरा। तो सबसे पहले क्या मेंशन है देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि पेमेंट चाहिए, ठीक है, पेमेंट रिसिप्ट चाहिए, किसकी, ऑनलाइन इनिशिएटिंग एडमिशन फी, फी पेमेंट मेड बाय द कैंडिडेट। ये कहाँ से मिलेगा इसको मैं बता देता हूँ, ये जो है जब आपको कॉलेज मिल जाएगा ना, जब कॉलेज मिल जाएगा काउंसलिंग के बाद, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो कॉलेज मिलने के बाद आपको 8000 रुपये पे करने होंगे। कितने पे करने होंगे? 8000, ठीक है, 8000 रुपये पे करने होंगे। ये जो 8000 रुपये की फी स्लिप्ट होगी वो आपको चाहिए होगा, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, देख सकते हो पेमेंट रिसिप्ट लिखा है ना, तो इसका मतलब यही है। जब आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा तो जब आप 8000 रुपये पे कर दोगे तो उसकी आपको स्लिप चाहिए होगी। सेकंड चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड क्या है, कॉपी ऑफ कैंडिडेट प्रोफाइल, आपको कैंडिडेट प्रोफाइल का यहाँ पर उसकी कॉपी चाहिए। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म देखते हो ना, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसको आपको प्रिंट निकलवा के रख लेना है, और अभी से ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा, ठीक है। एक तो ये चाहिए होगा, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा मेंशन कर रखा है, कॉपी ऑफ चॉइस सबमिटेड बाय कैंडिडेट, यानी कि जो भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो ना उसका आपको क्या चाहिए, आप फोटो कॉपी उसके चाहिए होगी, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना आपका एडमिशन इसके बिना नहीं हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ नंबर पर आपका मेंशन है, तो फोर्थ नंबर पर क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने, बोला कॉपी ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जब भी आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा तो उसके साथ एक अलॉटमेंट कॉलेज भी आएगा, मेरा मतलब है अलॉटमेंट लेटर भी आएगा, उसके अंदर मेंशन होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, किस किस ब्रांच में मिला है आपको, मतलब कौन सा ब्रांच मिला है, किस कॉलेज में मिला है, ये आपका उसके अंदर मेंशन होता है, उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। ये आपका बाद में ही आएगा जब आपको कोई भी सीट मिल जाएगी तो कॉलेज में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ नंबर का, तो पांचवें नंबर पे क्या मेंशन है, पांचवें नंबर पे मेंशन है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का क्या मतलब है, डेट ऑफ बर्थ का आपको प्रूफ चाहिए होगा, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है, आप जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है आपको दे देंगे तो वो भी आपका चल जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि ओरिजिनल चाहिए और वन सेल्फ अटैच चाहिए आप लोगों को, यानी कि ओरिजिनल और एक आपको सेल्फ अटैच आपको अपने पास रखनी है, ओरिजिनल जमा होगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छठे नंबर पे क्या मेंशन है, छठे नंबर पे मेंशन कर रखा है कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मार्कशीट चाहिए होगी, किसकी, क्लास ट्वेल्थ की। अगर आपके पास क्लास ट्वेल्थ की क्वालिफिकेशन है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इन्हें लिख रखा है इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल है तो, अगर आपके पास है तो, ये चीज़ आपको क्लियर है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इन्होंने बोल रखा है कि DSU CET स्कोर कार्ड, आपको CET का स्कोर कार्ड चाहिए होगा, जो भी आपका स्कोर कार्ड अभी आया है ना निकल के, रैंक निकल के आइए, उसका आपको प्रिंट निकलवा के रख लेना है, उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है,
राइट, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एट्थ नंबर पे इन्होंने क्या मेंशन किया, तो एट्थ नंबर की हम बात कर लेते हैं, तो आठवें नंबर पे इन्होंने मेंशन कर रखा है सर्टिफिकेट, है ना, एंड मार्कशीट आपको चाहिए। इतनी चीज़ आपको सातवें तक समझ में आ गई है ना, बहुत आसान था वो तो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बोला कि सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, किसकी चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन की, यानी कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की। जैसे अगर आपने टेंथ के बेस पर फिल किया है फॉर्म को तो टेंथ के बेस वाला, ट्वेल्थ के बेस पर अगर फॉर्म को फिल किया तो ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट चाहिए, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना मार्कशीट भी चाहिए होगा, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों चीज़ चाहिए, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे इन्होंने बोला है कि ये जो है आपका यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी आपको मिला होगा वो आपको पूरा सबमिट करना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि इन केस अगर आपको अभी तक ओरिजिनल नहीं मिला है, ओरिजिनल अगर आपको नहीं मिला है अभी तक, जैसे मान लीजिए कि जिन भी स्टूडेंट ने 2022 में एग्जाम दिया होगा टेंथ का, तो उनको तो अभी मिला नहीं होगा सीबीएसई बोर्ड से, तो क्या करेंगे, प्रोविजनल भी दे सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यानी कि या तो आप डिजी लॉकर का निकाल के दे दो, या फिर आपको एक और काम करना है कि आप नेट से निकाल लो। नेट से निकालने के बाद उसके ऊपर प्रिंसिपल के, देख सकते हो यहाँ पे मेंशन होगा प्रिंसिपल के, आपको साइन वगैरह सारी चीज़ें करा लेनी है, साइन और स्टम्प करवा लेना है, वो आपका चल जाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, मैंने वन वर्ड में आपको बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नाइन्थ नंबर पे, तो नौवें नंबर पे क्या मेंशन है, नौवें नंबर पे मेंशन कर रखा है कि आपको एससी एसटी का, है ना, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने लगा रखा है, मान लीजिए आपने एससी एसटी वहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है तो आपको ये चाहिए होगा, नहीं तो आपके पास अगर आपने ओबीसी सिलेक्ट कर रखा है तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बाकी ईडब्ल्यूएस वगैरह का यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। और ये आपका रिन्यू होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है 2-3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको क्लियर है, राइट। अगर आप जनरल है तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट फिर आपको नहीं चाहिए होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका 10वें नंबर का, तो 10वें नंबर पे क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने, 10वें नंबर पे मेंशन कर रखा है कि कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट और करेक्टर सर्टिफिकेट, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी कि इंस्टीट्यूट जो है आपका, जैसे मान लीजिए आपने जहाँ से टेंथ का क्वालिफिकेशन कर रखा है तो वहाँ से आपको ये मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वेयर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैज़ टू बी पास, जहाँ से आपने पास कर रखा है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे टेंथ के बेस पे आपने फॉर्म फिल किया है तो आप वहाँ पे जाइए, बोलिए हमें करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आपको बना के दे देंगे। आपने जहाँ से ट्वेल्थ कर रखी है या फिर वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप ले लीजिए, वो भी चल जाएगा आपका। किसी कॉलेज से आप पास आउट है तो वहाँ से आप ले लीजिए, तब भी आपका चल जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना एडमिशन नहीं हो सकता है, करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। आपको ओरिजिनल जमा करनी होगा और एक आपको आपके पास होनी चाहिए फोटोकॉपी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपके पास मेंशन इलेवंथ नंबर पे क्या मेंशन है, सर्टिफिकेट चाहिए किसका, मेडिकल फिटनेस का, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, इसको हम बोलते हैं अनेक्सर, ये जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उनको हम बोलते हैं अनेक्सर। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, ये देख सकते हो, टू बी रजिस्टर्ड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल, ये आप देख सकते हैं, जो आपके एमबीबीएस वगैरह डॉक्टर होते हैं उनका साइन वगैरह होनी चाहिए, रजिस्टर्ड जो मेडिकल होंगे ना उनसे आपको ये लेना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपको किस तरीके से बनवाना होगा, इसके लिए आपको अनेक्सर नंबर 7 देखना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइड करके बता दूंगा किस तरीके से आपको ये प्रोसेस करना होगा, ठीक है, तो अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है, अभी जितने डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ बस सुनते जाइए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है 12वें नंबर पे, तो 12वें नंबर पे यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, या फिर इन्होंने मेंशन कर रखा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए, ये ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है, ये ओरिजिनल होने चाहिए, आपको ध्यान रखना, या फिर देखो या फिर आप टीसी दे दो, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दो, या फिर माइग्रेशन दे दो, चल जाएगा। जिनके पास टीसी नहीं है तो क्या करेंगे, डिजी लॉकर डाउनलोड करेंगे, जिन्हें सीबीएसई से कर रखा है और वहाँ से माइग्रेशन डाउनलोड करके दे देंगे तो वो भी चल जाएगा आपका, बिल्कुल ओरिजिनल माना जाता है वो, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है जिन भी कैंडिडेट ने ईसीए फिल कर रखा है, मतलब ईसीए का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगा रखा था, जिन्होंने लगा रखा है उन्हीं को चाहिए, अन्यथा आपको नहीं चाहिए। जैसे मान लो आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नो किया था तो आपको नहीं चाहिए होगा, अगर आपने येस किया था तो आपको चाहिए होगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे देख सकते हो, तो वेरीफाइड फ्रॉम हेड ऑफ स्कूल, आपके स्कूल से वेरीफाई होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे बोला है इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने यस किया तो भाई फिर तो चाहिए होगा, क्योंकि उसके मार्क्स मिले ना आपको रैंक कार्ड में आपको ज़्यादा अच्छी रैंक मिली है, तो इसलिए आपको चाहिए होगा। अगर आपने नो किया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, राइट। अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है 14 नंबर पे कि आपको 2 पासवर्ड साइज़ की फोटोग्राफ चाहिए होंगी, 2 पासवर्ड साइज़ की आपको फोटोग्राफ चाहिए होंगी, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते थे वो यहाँ से रिमूव कर दिए गए, अब जो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतनी चीज़ें यहाँ पे लगवा रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे, एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होता था वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, 1 सेकंड रुक जाइए, वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं, आपके डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे इन्होंने यही मेंशन कर रखे, तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। बाकी स्टूडेंट अगर आपके पास कोई और भी अगर आपके
आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता दिया। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है, आपको किस तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है। और करेक्टर सर्टिफिकेट पर जरूर ध्यान दीजिएगा, इसकी व्यवस्था आप कर लीजिएगा, और साथ में अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट TC वगैरह जो है उसके बारे में भी। तो फाइनली मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता दिया है। जब भी आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाता है तो एक बार और हम इसको बिल्कुल डीप जाके समझेंगे कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें बनवानी होगी। तो चलिए स्टूडेंट, अभी के लिए इतना ही, हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।